गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर चॉइस है, बट आई एम वेरी इंट्रीग्ड ये पॉडकास्ट चालू कैसे हुआ। वन, हम इसको पॉडकास्ट नहीं बोलते, सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन बोल सकते हैं। एंड माय लिंक्डइन बायो सेज एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर। तो मैं भटका हुआ था, मैं कोई मुझे आके बोलता था ये करना है, मैं बोलता था हाँ यार ये भी कर सकते हैं, तो मैं हर चीज कर रहा था। Hi guys, welcome to another very exciting episode of Money Mantra, where today I have very special guest Rishabh and Mandeep, who are talking about their own journey of finance. Guys, बहुत ही interesting career choice है, but I'm very intrigued. ये podcast चालू कैसे हुआ? One, and is this like your full time job right now, or do you do something else in parallel? Yes. So hi. हम इसको पॉडकास्ट नहीं बोलते, सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन बोल सकते हैं। एंड माय लिंक्डइन बायो सेज एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर। सो वी बोथ कन्वर्ज इन अ पाथ जहाँ हम अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे। आई ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, देन डिड वन ईयर कंसल्टिंग, उसके बाद स्टार्टेड एडटेक वेंचर, थोड़ा पैसा वैसा रेस किया, कोविड में बंद हो गया। And like most startups, ज़्यादा पैसा बन नहीं रहा था, घर में थोड़े बहुत ही पैसे आ रहे थे। तो माई फैमिली बैकग्राउंड वॉज इन टू लेबर लॉ कंसल्टिंग फॉर पास 50 years। ग्रैंड फादर, फादर, मदर, ऑल द फोक्स सब लॉ में थे। मी बींग एन इंजीनियर, उन्होंने बोला बेटा वहाँ तो पैसा बन नहीं रहा है, थोड़ा लेबर लॉ के बारे में समझ लो, हमारा फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन कर लो। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड जस्ट रीडिंग अबाउट लेबर लॉज। एंड देन आई फाउंड दैट इंडिया में मैक्सिमम व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज पे बहुत सारे लेबर लॉज अप्लाई होते हैं, पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई एंड सो ऑन। उनकी सैलरी से लेके उनके नोटिस पीरियड तक सब जगह ये यूज आता है, लेकिन इट्स सो बोरिंग एंड सो डल कि कोई इसके बारे में जानता नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज। उसी जर्नी में मंदीप भी मुझे मिला, ही विल शेयर। एंड लेबर लॉ एडवाइजर वॉज बॉर्न दैट वे। फॉर फर्स्ट 1-2 years वी ओनली मेड कॉन्टेंट फॉर एम्प्लॉयज अराउंड लेबर लॉज, एंड देन ग्रेजुअली we ventured into more areas like taxation and personal finance and little bit of investing. Interesting. So this is now your full time job? It is our full time job. Yes. Yep. मेरा थोड़ा सा अजीबोगरीब कहानी है। तो मैं भटका हुआ था, मैं कोई मुझे आके बोलता था ये करना है, मैं बोलता था हाँ यार ये भी कर सकते हैं, तो मैं हर चीज़ कर रहा था। सो आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई स्कूल, कॉलेज के साथ साथ सीए परस्यू किया, वो मज़ा नहीं आया, पापा मम्मी को मनाया और ड्रॉप आउट कर लिया। फिर थोड़ा सा एमबीए परस्यू कर लिया, कैट की प्रिपरेशन वगैरह। साइड में जब वहाँ पे डीमोटिवेट हुआ तो एक सेल्स जॉब में एंटर हो गया, वो 50 days में क्विट कर दिया। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग सीखा, एंड इनके ही स्टार्टअप में जिसमें कम पैसा बनता था उसमें एक अंडरपेड राइटर बन गया था। एंड वहाँ पर थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा इंटरनेट कैसे काम करता है, सोशल मीडिया, ये सब समझ में आया। तो मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स गूगल पे नंबर 1 रैंक करने लगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि बच्चा ही था तब तो। और साथ साथ सीए की प्रिपरेशन ने मुझे बहुत मोटा बना दिया था। तो अपने आप ही रिसर्च करके घर पे वेट भी लूज कर रहा था, तो आई लॉस 32 kgs ऑफ वेट। एंड फिर बन गया सेल्फ प्रोक्लेम फिटनेस इंस्ट्रक्टर, एंड पहले क्लाइंट बन गए ये। तो सुबह इनको 10 kilo का फर्क चाहिए था वेट में, मैंने डिलीवर किया बढ़वा के। तो सुबह हम ट्रेनिंग करते थे, इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग इकोसिस्टम बिटवीन बोथ ऑफ यू, राइट। सुबह ट्रेनिंग करते थे, शाम को खाने जाते थे, तो दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप ग्रू। सो एक दिन इनको आइडिया आया कि इनके घर वाले फोर्स कर रहे थे कि लेबर लॉज में घुसो। घर वाले फोर्स कर रहे थे? हाँ, सो जस्ट लाइक स्टार्टअप, हम टिपिकल बनिया मारवाड़ी फैमिली के, यार भाई वहाँ पैसा नहीं है, यहाँ हम कमा रहे हैं, हमको जरूरत है तो आ जा वैसा। तो एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, इस सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं धीरे धीरे सीख रहा था ये सब कैसे करते हैं। तो ही सॉ वन ऑफ माई वीडियोज़, मैं JLF करके एक फेस्टिवल होता है जयपुर में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, वहाँ का मैंने एक व्लॉग बना दिया, बहुत ही बेसिक, बट जितना मैं बेस्ट कर सकता था उतना कर दिया। सो ही सॉ दैट वीडियो एंड ही देन थॉट कि यार ये बंदा वीडियो बना सकता है, मैं कॉन्टेंट ले आऊँगा। तो इन्होंने बोला यार स्टार्ट करते हैं, जब पैसे कमाने लगेंगे तब डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, अभी तो हमें नहीं पता कि हम क्या करने वाले। right. तो बिना सोचे समझे नाम डिसाइड कर लिया, एक ही रात में नाम डिसाइड हो गया। सेम रात में इन्होंने व्हाट्सएप के ऑडियो नोट्स भेज दिए मुझे, दैट वाज द वीडियो रिकॉर्डिंग। वो मेरे पास ऑडियो फाइल था, वो भी मल्टीपल 20-30 ऑडियो फाइल,
उसको फिर मैंने एक नया सॉफ्टवेयर सीखा, उसमें आप हैंड ड्रॉन एनिमेशंस कर सकते हो, उसको उसमें कंपाइल करके वी मेड अ वीडियो इन 2-3 डेज एंड जस्ट लाइक दैट वी पब्लिश्ड 6-8 वीडियोज आई गेस शुरू में एक महीने में. सो रब ने बना दी जोड़ी, ऐसा हाँ. ले बन गया हमारा. फिर हम बैठ गए, हमें लगा कि हो गया हमारा, हम थोड़ी यूट्यूबर्स हैं. हाँ. तो हमने चेक भी नहीं किया, 6 महीने बाद देखा कि कुछ वीडियोज पे 50,000-1,00,000 व्यूज हैं. फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हम एक्चुअली इंडिया के फर्स्ट चैनल है टू एक्सप्लेन लेबर लॉज इन अ लेमैन्स टोन. कोई था ही नहीं, तो करोड़ों एम्प्लॉयज जिनको पता नहीं उनका पीएफ कैसे निकालना है, हाँ. वो इधर उधर सर्च कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यूट्यूब पे कोई खास इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं. तब पता चला कि इसका कितना बड़ा मार्केट है, एंड फिर हमने और आइडेंटिफाई करे उनके पेन पॉइंट्स और उनको धीरे धीरे करके सॉल्व करते गए. इंटरेस्टिंग. तो नाउ यू आर मेकिंग मनी. ठीक है, दिस इज नॉट दाल रोटी चल जाती है. अच्छा, दिस इज नॉट योर मूनलाइटिंग, राइट? नो, दिस इज नॉट आवर मूनलाइटिंग. सो वी हैव अ स्मॉल कंपनी, 20 लोग हमारे साथ काम करते हैं, एंड या डूइंग इट फॉर लास्ट 7 इयर्स. सो बिकॉज़ यू टॉक अबाउट लेबर लॉ, राइट, आई एम वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू ट्रीट मूनलाइटिंग? सो अच्छा क्वेश्चन. अब मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि मैं खुद भी एक एम्प्लॉयर भी हूँ, बट इफ यू लाइक, मेरा पर्सनल ओपिनियन, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इम्पैक्टिंग द अदर जॉब, इट शुड बी फाइन. बिकॉज आप अगर किसी जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो भी एक तरह से आप अपने लिए कुछ पैसा कमाने की जद्दोजहद कर रहे हो. ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम पैसा कमा सके, और इफ वो मूनलाइटिंग के थ्रू कमाता है तो कुछ गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इम्पैक्टिंग द अदर जॉब. बट कॉर्पोरेट्स ने एक ऐसा कल्चर बना दिया है कि अगर कहीं से भी पता चल गया ये हो गया वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, कि हम आपको फायर करेंगे या ये सारी चीजें, और हुई भी पास्ट में कोविड के दौरान तो काफी ज्यादा हुई है. प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जो मैंने देखा है दूसरों के ऑफिसेज में, मे भी हमारे लोग ना देख रहे हो तो बेटर है, बट जनरली हर ऑफिस में प्रॉब्लम आ जाती है कि एम्प्लॉई अपना टाइम, अपनी बैंडविड्थ को मैनेज नहीं कर पाता. उसको लगता है कि वो ये भी कर लेगा वो भी कर लेगा, बट अल्टीमेटली अगर उसका जो डे जॉब है, जो फुल टाइम जॉब है, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, तो एम्प्लॉयर हैज़ एवरी राइट टू आस्क कि भाई क्या चल रहा है. तब उसको एम्प्लॉयर को अगर पता चलता है कि दिस गाय इज़ अंडर परफॉर्मिंग एंड ही इज़ मूनलाइटिंग, तो फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता. अगर आप सिर्फ अंडर परफॉर्म कर रहे हो बट मूनलाइट नहीं कर रहे तो भी ठीक है. है ना, वो एक बार वो इंप्रेशन में गलत आ जाता है तो फिर वो आ ही जाता है, फिर उसकी बैड इमेज बनती है. एंड मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिस की वजह से ही फिर मूनलाइटिंग को नेगेटिव लाइट में भी देखा जाएगा. बट अगर एम्प्लॉय अपना बैंडविड्थ मैनेज कर रहा है, करेक्ट, दोनों जगह परफॉर्म कर रहा है, तो क्या कुछ और सीख रहा है, व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक लर्निंग समथिंग एंड गेटिंग पेड फॉर दैट लर्निंग, व्हिच ही कैन इंप्लीमेंट, कम बैक टू हिज प्राइमरी प्रोफेशन एंड इंप्लीमेंट, देन इट्स परफेक्टली परफेक्ट. सो तो चलो, आपने पैसे बना लिए, हाँ, इन्वेस्ट कहाँ करते हो? तो या सो बीइंग अ फाइनेंस चैनल, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि भैया अपने पैसे को बहुत ढंग से मैनेज करो. एंड कल मनदीप का कुछ एक अखबार में आर्टिकल था जो मुझे भी पढ़ के अच्छा लगा. उसने लिखा था कि पैसा कमाना फिर भी आसान है, उसे मैनेज करना थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल है. बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो आई डू माई प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज ओनली, एंड लास्ट फ्यू ईयर्स से आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट एज वेल. तो वही फॉलो करते हैं रूल, क्या अभी एज माइनस इतना है तो मैक्सिमम पार्ट इक्विटी में डाला है. ये क्या है, व्हाट इज दिस रूल, प्लीज टेल मी. सो ये थंब रूल है जिसमें काफी लोग ये फॉलो करते हैं कि आप 100 से जितने दूर हो उसी प्रोपोर्शन में आपका इक्विटी होना चाहिए. से आई एम इफ 30, तो मेरा अप टू 70% माई पोर्टफोलियो कैन बी इन इक्विटीज एंड रिमेनिंग कैन बी इन डेट और मोर सेफर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड. एंड जैसे जैसे आप एज होते जाओगे, ऑफ कोर्स वो परसेंटेज कम होता चला जाएगा, विच मेक सेंस एज वेल. विद एज हमको थोड़ी सी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है हमारे मनी के साथ. सो आर यू सेइंग स्टॉक मार्केट इज नॉट सिक्योर? इसके बहुत ही लेयर्ड आंसर्स हैं. स्टॉक मार्केट लहरों की तरह है, बहुत बड़ा सागर है जो जिसमें पैसा बहुत है, लेकिन आप किस वेव पर कहाँ पर हो ये आप भी नहीं बता सकते. सो द मोमेंट यू नीड मनी, इट्स नॉट, हाँ ऑफकोर्स हिस्ट्री ये बताती है कि पिछले कई सालों में 12-13% के हिसाब से लगातार ग्रो किया है. आप कोई भी 10 साल का पीरियड उठा के देखोगे तो मोर और लेस यही नंबर्स आपको मिलेंगे, लेकिन क्या किसी पर्टिकुलर 2-3 साल में ये परफॉर्मेंस रही है, नॉट श्योर. तो अगर आपको आज पैसा चाहिए, हो सकता है आपका मार्केट अभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा हो, तो आपको जो करंट पैसा चाहिए वो आपको प्रोबेबली थोड़े से सेफर इन्वेस्टमेंट्स में रख सकते हो. एंड जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रो करना है वो आप भी बेहतर जानते हैं हमसे, वो आप स्टॉक्स में रखें तो बढ़िया है. तो मंदीप, वेयर आर यू इन्वेस्टिंग? तो मैंने थोड़ा सा खिचड़ी मचाया हुआ है. हाँ.
तो आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स वाला थोड़ा ऐसा है कि जो नहीं भी चेक करेंगे तो चल जाएगा, हाँ. क्योंकि उस एक्सपेंस रेशो दे रहे हैं ना उसका दो. ओके. तो स्टॉक्स वाला थोड़ा इसलिए कि भाई देखे तो सही मैं कितना समझ पाता हूँ, कितना परख पाता हूँ मार्केट को, वो अलग चीज़ है. उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा जोक याद आ गया मुझे, मेरे साले ने भेजा था मुझे. तो अच्छा ही होगा फिर तो. नहीं नहीं, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैव बॉट सो मेनी हाउसेस बाय मेकिंग वीडियोस ऑफ व्हाई यू शुड नॉट बाय अ हाउस. तो मैंने एक दो साल पहले एक घर खरीदा. ही आल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी, राइट? नहीं, ही इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट. लैंड हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है. मैंने घर खरीद लिया रेजिडेंशियल रहने के लिए. सही है. सो एंड जिसके अगेंस्ट मैं खुद बात करता हूँ, तो वो मैंने वीडियो में भी अपने, जिस वीडियो में मैं ये मेंशन कर रहा था उसमें ये समझाया था कि कई बार ये डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता है, बट इट इज़ गुड टू मेंशन ओपनली कि मैंने किया है भाई. ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ. तो मेरा एक मेजर पार्ट दो साल पहले एक घर की इन्वेस्टमेंट में गया, बाकी अभी मेनली इक्विटीज़ ही हैं. तो गोल्ड वगैरह फैमिली का है जो मैं खुद में काउंट नहीं करता हूँ. गॉट इट. एंड आई एम नाउ लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट्स, मतलब लैंड वगैरह. Interesting, but that's a little illiquid. हाँ, that's तो liquid side में रख के जो बचता है. So थोड़ा सा diversification वाला भी angle है इसके अंदर. Yes, of course it is illiquid, but जो 30% है वो आप अगर various options को compare करोगे तो आपको एक real estate एक viable option दिखेगा. और again जैसे it is a full time job, हमको content creation भी करना है, company भी संभालनी है, अपने businesses भी संभालने. वन पॉइंट पे अगर आप कहीं बड़ी कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस, तो अगर आपको सारे पेपर वर्क एंड एवरीथिंग यू कैन चेक, तो वो एक रियल एस्टेट एक ऑप्शन बन जाता है. अंडरस्टैंड. या दैट्स इट. मुझे ऐसा लगता है कि हर इलाके में ना अपने अपने रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स होते हैं. हाँ. जैसे मेरे पापा को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, पापा के एक दो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिल के, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है कि लैंड कैसे खरीदते हैं, बट आई हैव पीपल विद मी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. जस्ट लाइक यू ट्रस्ट अ फंड मैनेजर, वैसे रियल एस्टेट मैनेजर्स भी होते हैं. तो अगर आप उस अप्रोच से लेते हो ना तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा. बट आप रैंडमली कोई भी प्रॉपर्टी अगर ले लोगे, राइट, तो उससे बेटर है कि फिर आप निफ्टी ले लो. तो डू यू गाइज फील दैट यू आर नाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? या मतलब देखो सर, मैं give me your definition of financial independence. हाँ, again, so it is very subjective, but मुझे ऐसा लगता है मैं तो काफी time से financially independent हूँ. जितनी मुझे मेरी lifestyle upgrade करनी थी उतनी मैंने कर ली है. हाँ. उससे beyond जो भी आता है वो मेरे लिए bonus ही है. So the independence comes with expectation. So आपको अगर महीने का 1 करोड़ खर्च करना है तो आपको 2 करोड़ कमाने भी पड़ेंगे. अगर आप महीने का 50,000 ही खर्च कर रहे हो तो आपके लिए 1 लाख रुपए भी बहुत है. करेक्ट. सो उस डेफिनेशन में फॉल करता हूँ मैं. मुझे लगता है मुझे कार चाहिए, छोटी चाहिए, मैं टियागो चलाता हूँ और आई कैन अपग्रेड टू अ मच बेटर कार, बट आई डोंट बिकॉज आई डोंट नीड वन. दिस इज वॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स टू मी. वॉट एवर मनी आई हैव आई रादर इन्वेस्ट इट इन एक्सपीरियंसिस एंड ट्रेवल्स एंड प्रोवाइडिंग फॉर माई फैमिली बेस्ट एजुकेशन एंड एवरीथिंग. बट मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो पर्सनल नीड नहीं है. बट ऐसा नहीं कि मेरे कंपनी में LLA में सब लोगों का ये ऐसा मोटो है. तो हम अगेन ग्रोथ एंड एवरी ईयर चेजिंग नंबर्स डबलिंग डाउन एवरीथिंग वो हम करते हैं, लेकिन पर्सनली आई फील दैट आई एम ओके. I would say I'm not there yet, but we have turned down a lot of money. मतलब 100 रुपये अगर हमारी इनकम ऑफर हाँ. होती है तो उसमें से हम 10 कमाते हैं, 90 को मना करते हैं. तो उस लेवल पे वी आर वेरी फ्री कि पैसों के लिए काम करना नहीं है और पैसों के लालच में आके कुछ उल्टा सीधा ऐसे ज़बरदस्ती प्रमोट नहीं करना है. तो वहाँ से हमारे एथिक्स भी स्ट्रांग होते हैं एंड दैट्स ऑल आई केयर एज ऑफ नाउ. कमिंग टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही बोल रहा था ना, मुझे लगता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो भी पैसा आपके पास है उसको आप सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट में डाल दो और उससे आपका लाइफस्टाइल चल जाए. Okay. ना so, सिर्फ गुजारा बल्कि आप जो कर रहे हो रिटर्न यू आर मेकिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट इट सस्टेन्स योर लाइफस्टाइल. यस, वहाँ मैं नहीं हूँ. क्योंकि उसके लिए आई वुड देन हैव टू नॉट बाय लैंड, है ना. मेरा घर भी फिर मैं 2 साल पहले जो मैंने खरीदा वो नहीं खरीदता एंड थोड़ा और 1-2 साल और कैपिटल जमा करता और फिर उसको कुछ करता तो मैं सोच सकता था कि हाँ अब मैं रिटायर हो जाता हूँ और अब चल जाएगा. नीदर डू आई वॉन्ट टू रिटायर, नॉट डू आई हैव टू. तो इसलिए आई एम नॉट देयर येट, बट आई एम हैप्पी. कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वी मेंटेन एमरजेंसी फंड्स जो सिखाते हैं वो फॉलो भी करते हैं. तो
चलता है। एक बस मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई बिलीव इज दैट पॉइंट जब आपको अपने समय को बेचना नहीं पड़े पैसा कमाने के लिए। आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आज TOI ने बुलाया कि आपके साथ ये पॉडकास्ट करना है, बाकी कोई भी चीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी हमें, और काम को छोड़कर हम अपना समय यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू। ऐसा नहीं कि इससे हमको पैसा मिल रहा है या कुछ। सो आई बिलीव दैट चॉइस वेरी फ्यू पीपल इन लाइफ हैज़ कि मिडल ऑफ अ वीक आप आराम से जयपुर से दिल्ली आ गए एंड यू आर हैविंग दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन। अगर किसी पॉइंट पे आपको जिंदगी में लगे कि यार मैं यहाँ पे पहुँचने वाले हूँ, पहुँच गया हूँ, तब आपको एक अलग ही आनंद आएगा, और वो आपको वो इंडिपेंडेंस आपको बहुत सारा पैसा भी नहीं दे सकता। सो यू बेसिकली गेट टू मेक द चॉइस ऑफ व्हाट यू वांट टू डू व्हेन यू वांट टू डू इन लाइफ 100% और दैट मनी गिव्स दैट फ्रीडम मनी गिव्स एज लॉन्ग एज आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उस पैसे से बहुत ज़्यादा नहीं है तो नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। आपको प्रॉबेबली 100 करोड़ या 1000 करोड़ की जरूरत नहीं है उसके लिए। मेरा तो जब मैं आपको बताया मैंने कि मैं सेल्स जॉब किया था 50 दिन तक, मैंने वो 50th day इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा नाखुश था। हाँ। और बट घर में पैसों की ज़रूरत थी और 15,000 रुपये ही कमाता था और इतनी बुरी हालत एक बार को हो गई थी, मैंने फिर भी छोड़ दी थी। मैंने कहा यार ये तो नहीं करना। तो इतना ट्रस्ट था कि कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ तक फाइट मार के 15 कर लिए है तो 12 पे सेटल हो जाएंगे कहीं और, या 10 पे कर लेंगे, पर कुछ तो कर ही लेंगे। तो तब से ही था जो आज तक काम आ रहा है। बट आई वुड अंडरस्टैंड अगर कोई उस पोजीशन में बोले नहीं यार आई कांट अफोर्ड टू लूज माई जॉब, वो हो जाता है बहुत लोगों के साथ एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि हर बंदा अपना पहले पेट कमाएगा बाद में कुछ समाज सेवा करेगा। सो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन यू हैव टेकन इन लाइफ? वाओ ओके व्यू टेल। मैं तो मुझे लगता है मैंने बता दिया क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। मतलब कोई मुझे बोलेगा नहीं यार फैमिली में से कि यार मत छोड़ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि बेटा अपना ही है परेशान है तो बोल देंगे छोड़ दे, और मुझे पता था कि ज़रूरत थी बट मैंने छोड़ दी। और उससे जस्ट पहले एक थोड़ा सा मैं बताऊँगा, मैंने एक बार घर पे बॉम्ब फोड़ा था कि मैंने पहले तो मैंने आपको कहा था CA नहीं करूँगा, अब मैं बोल रहा हूँ MBA भी नहीं करूँगा। सो माई मदर क्राइड, शी सेड बस तू BCOM ही रह जाएगा, तेरा तो कुछ नहीं होगा। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर था। अगर मैं मान जाता उस समय कि चलो ठीक है यार रो मत कर लेता हूँ, तो मैं कहीं और ही चला जाता, फिर 20-25 लाख का लोन होता, 10 लाख का पैकेज होता, फिर EMI भर रहा होता। तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा स्ट्रांग रह गया और डिसीजन ले लिया कि नहीं, जो मैंने कह दिया वही करूँगा। एक साल बाद सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपसे गाली खा लूँगा, बट हो गया तो आप मेरी तारीफ कर लेना। वेरी नाइस। ये बात है कि अपने बच्चों को सपने जीने दो और मोर ऑफन देन नॉट वो आपको रिग्रेट नहीं करवाएंगे। मैंने जब सोचा कि मेरे जिंदगी का वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन था, एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों का टफेस्ट डिसीजन होता है। सो बीइंग फ्रॉम जैन मारवाड़ी फैमिली, हमारे यहाँ शादियाँ जल्दी हो जाती है और स्पेशली अरेंज मैरिज का कंसेप्ट है, तो मेरे प्रॉबेबली 6 महीने मेरे कॉलेज के बाद हुए होंगे एंड देवर ऑलरेडी इन डीप टॉक्स विद फैमिली, गर्ल फैमिली, और उन्होंने सबने पसंद भी कर ली थी और देर वॉज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी कि यार तू भी शादी कर ले। मैं आई वॉज लाइक द फर्देस्ट गाय फ्रॉम बींग सेटल्ड एट दैट टाइम। ऑफकोर्स ना पैसा था, ना खुद का कुछ पहचान थी, कुछ भी नहीं था। मैं मिला, आई ऑफकोर्स लाइक द गर्ल, शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हमारी अच्छी बात हुई। बट 2-3 बार मिलने के बाद भी वो दिल में वो था यार कि मेरे तो सारे दोस्त अभी जॉब कर रहे हैं, कोई फॉरेन जा रहा है, कोई MBA कर रहा है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। आई कॉल्ड वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज एंड मैंने उससे एक बात पूछी, उसने मुझसे एक बात पूछी। हाँ। उसने बोला कि ऋषभ अगर तू इस समय लाइफ में सेटल्ड होता, पैसा होता तेरे पास, तो तू क्या इस गर्ल से शादी कर लेता? कहा हाँ मैं कर लेता। तो उसने बोला तो कर ले। एंड वो पता नहीं क्यों मुझे वो डिसीजन वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट वो बात मुझे कहीं छू गई एंड आई वॉज दी प्रोबेबली द फर्स्ट गाय फ्रॉम माई बैच टू गेट मैरिड। अभी भी मेरे दोस्तों की शादियाँ हो रही है तो लोग पूछते भी अभी दोस्तों की शादियाँ कैसे हो रही है। आई वॉज द फर्स्ट गाय इन माई बैच टू गेट मैरिड एंड इट्स बीन 8 ईयर, आई हैव अ 5-year-old डॉटर एंड आई डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन। दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट डिसीजन आई टुक बट द हार्डेस्ट वन। वाओ
you feel it is hardest because emotionally you were not ready, or you thought ki financially main kaise manage karunga? Emotionally, financially, but main socha zindagi mein jo sabse mushkil decision hota hai na, uske liye aapko trial and error ka time nahi milta. Correct. Aap yaar cricket mein koi shot bhi maarna hai, uske liye aap 100 baar pehle practice karte ho, fir match mein jaake khelte ho, aur tab bhi kai baar gadbad ho jata hai. आप सोचो यार, शादी जैसा टफ डिसीजन है, एक बार होती है जिंदगी में. कॉलेज आप एक बार चूज करते हो, जो जो हमारे लिए बहुत टफ डिसीजन है, उसके लिए हम ट्रायल एंड एरर नहीं कर पाते हैं. ट्रायल एंड एरर ऑफकोर्स अब थोड़े बहुत होने लगे हैं, बट स्टिल इट्स. मैं पूछने वाला था ये एक बार का क्या रूल है. ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा ट्रायल एंड एरर नहीं होते हैं, बट दीज आर रियली टफ डिसीजंस. एंड आई बिलीव मेरे लिए है, सभी के लिए, चाहे आप 5 साल 10 साल डेट भी कर रहे हो जैसा मनदीप ने किया. हाँ. तब भी शादी करना है या नहीं करना है, कब करना है, किससे करना है, ये एक बड़ा भारी डिसीजन है. और मुझे लगता है आप लोगों को सिखाते हैं इन्वेस्ट करना, उसमें एक ये भी लर्निंग होनी चाहिए कि यार शादी के अराउंड बहुत सारी गणित होती है. अगर बंदे को मैथमेटिक्स आ जाए ना, तो मजा आ जाएगा. मतलब कि बहुत आसान हो जाएगा, आपको जिंदगी भर दुआएं देगा कि यार ये बात सही है. और मैं तो कहता हूँ साथ में डिवोर्स प्लानिंग भी करनी ही चाहिए. बहुत पैसे लगते हैं शादी करने से, ज्यादा पैसे डिवोर्स में लगते हैं. ठीक है, तो वो इसकी रील बन के वायरल हो रही है, फिर होएगा, फिर ध्यान रखना. तो मारवाड़ी फैमिलीज में ये होता है कि शादी में इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि पीपल आर अंडर द बर्डन सेइंग यार इतने पैसे लगे, अब इसको निभा लेते हैं. एग्जैक्टली, इट्स प्रोबेबली अ बिग सोशल प्रेशर एज वेल. बट ये मुझे लगता है अब धीरे धीरे प्रोबेबली कोविड के बाद ये बहुत एक्सेलरेट हो गई एक बार चीज. हाँ. कि यार कम खर्चा होना चाहिए, कम लोग होने चाहिए. लोग, मैंने और मनदीप ने, हमने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, हमारे बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लोग लोन ले लेकर बच्चों की शादी कर रहे हैं. हाँ. अपनी दुकान गिरवी रख दी ताकि बच्चे की लेविश शादी हो सके, क्योंकि सामने वाले का स्टेटस इतना है. But there's no merit in doing this. I know, वो एक दिन का खाना है, और उसके बाद भी लोग जाके आपकी बुराई करने वाले हैं कि मलाई कोफ्ते की सब्जी में नमक ज्यादा था. सो व्हाट्स द पॉइंट सॉर्ट ऑफ बेटिंग योर एंटायर लाइफ, आने वाले 10 साल आप उस लोन को चुकाने वाले हो, सिर्फ एक दिन के, मैं बोलूंगा एक दिन के फंक्शन के लिए, एक दिन के पार्टी के लिए, क्यों? सो जितनी आपकी हैसियत है उससे भी थोड़ी कम में ही आप शादी करिए. और ये अगर इस पॉडकास्ट से कोई जना एक यही चीज़ लेके जाएगा ना कि यार उतना ही करना है. हाँ. तो प्रॉबेबली लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा उसके. सो स्विचिंग द गियर, हु मैनेजेस मनी एट योर होम? डू यू डू इट, और इज योर वाइफ मैनेजिंग हर ओन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स? सो माय वाइफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो उसकी कैपिटल का वो क्या करती है मैं उससे नहीं पूछ सकता हूँ. सो मेरी जिम्मेदारी बस मेरी है, मेरे ऊपर है. व्हाट अबाउट यू? मैं मेरा भी करता हूँ, वाइफ का भी करता हूँ. वेरी नाइस. उसका शादी से पहले कर रहा हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस उसके पेरेंट्स थोड़े इंप्रेस हो गए, अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट कर रहा है. ठीक है, इफ अ प्लेटफॉर्म लाइक स्टॉकग्रो वाज विद यू से 10 years बैक, डू यू थिंक इट वुड हैव हेल्प्ड यू इन योर फाइनेंशियल जर्नी? उस वहाँ तक आने से पहले ना, आई'ड लाइक टू आस्क यू एक दो क्वेश्चंस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए. जैसे अपने पीछे लिखा है इंडिया फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी. अब यहाँ पे मुझे दो प्रॉब्लम दिखती है. पहली प्रॉब्लम तो ये है कि 90-93% ऑफ इंडियंस डोंट अर्न इनफ मनी. तो उनको तो आई थिंक आप भी बोलोगे भाई ट्रेडिंग से पहले थोड़ा अपनी सैलरी बढ़ा लो. हाँ. है ना, तो बचे थोड़े से लोग उनको ही सब केटर कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप भी उन्हीं को केटर करोगे. तो और फिर हम एक तरफ बोलते हैं कि कितने परसेंट लोगों के पास डीमैट अकाउंट है इंडिया में? 5% 5% आई थिंक 11 हैं, बट 5 एक्टिव हैं ऐसा कुछ. हाँ. तो है. तो फिर हम कुछ एक्सपर्ट्स को मैंने यूट्यूब पे ये बोलते हुए सुना है कि देखो 2024 है, 5% ऑफ इंडियंस आर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. आप अभी इन्वेस्ट करोगे, सूनर और लेटर 30-40% ऑफ इंडियंस विल बी इन द मार्केट. तो मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट फॉर दैट टू हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन? मुझे लगता है इसमें सिर्फ लिटरेसी नहीं, इसमें आपका ओपिनियन सुनना चाहूँगा. हाँ. बट वी हैव टू हैव इनकम फर्स्ट. मनदीप, आई थिंक दिस क्वेश्चन ऑफ पीपल नॉट हैविंग अ इनकम इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन विच सिटी, विच विलेज, विच टाउन यू आर लिविंग इन, डू यू हैव एडिक्वेट इनकम आउट देयर टू मैनेज योर लाइफस्टाइल? मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे हैव दैट एडिक्वेट इनकम. व्हाट दे डोंट नो इज beyond that adequate income, whatever money that I am saving, what do I do with that? Because that money which you are saving either goes into traditionally in real estate or it goes into gold.
and some part of it stays in fixed deposit. Unfortunately, none of these asset classes actually help you grow beyond the inflation. So you're basically trying to match or beat the inflation, but you don't realize that over a period of time, and what we are talking, right, financial literacy will also bring you to financial freedom. That is, the amount of money that you have invested over a period of time gives you enough income that it can sustain your life. तो मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक टर्म है फाइनेंशियल लिटरेसी, हाँ, एंड यू आर रनिंग स्टॉक ग्रो. तो आई वुड लाइक टू नो कि आप स्टॉक ग्रो के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे इम्पार्ट कर रहे हो. ओके, सो सी, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल लिटरेसी, वन, देयर इज अ फियर अबाउट अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स, मनी मैनेजमेंट. इतना सबको ये लगता है इतने पैसे होंगे उसके बाद आई स्टार्ट माय इन्वेस्टमेंट जर्नी. टिल देन आई एम नॉट इवन इन माय माइंड नॉट इवन देयर टू स्टार्ट माय इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट. सेकंड, द अमाउंट ऑफ एसेट क्लासेस दैट वी हैव, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, मुझे कैसे मेरे पैसे मैनेज करने चाहिए. द लार्जर प्रॉब्लम आउट देयर इज, एंड बिकॉज यू गाइज हैव गॉन थ्रू say MBA, CA, all of these courses. बस छूकर वापस आए. हाँ, तो छूकर भी जब वापस आए, the whole education system from schools to college to post graduation courses, they don't teach you how to invest money. Right? So what your family has taught you is how to save money. पैसे कैसे बचाने हैं, बिल्कुल. This is everyone has taught you, but because there's no formal education out there, everyone starts his investment with the thought ki main paise double karu. In attempt to do that, they start losing money very quickly, and in probably their first two or three instances, once they start losing money, they're like, yaar, this is not for me. Because no one has taught them how to start their investment journey. Ye jo gap hai, is gap ko fill karna zaruri hai, but is gap ko aap education, formal education mein isliye nahi fill kar sakte ho kyunki ye bahut dynamic hai sector. Every year there's a new asset that comes in. The way you will look at each asset class will always keep changing. Right? So it has to have a platform like ours, which is dynamic in nature. Jahan pe you're not reading books, you're learning from people who are actually expert in trading and investing. The content is dynamic, it keeps changing every day, keeps upgrading every day. And it is catering to all class of people. So whether your monthly income is 10,000 rupees or your monthly income is 10 lakh rupees, it goes and caters to the requirement of everyone, because jo 10,000 kama raha hai uski zarurat alag hai, uske investment requirements alag hai, and usko apne jaise log milenge jo unko batayenge ki humne ye kiya aur hamari life journey mein ye changes hue hain. And jis bande ke paas 10 lakh rupaye hai, his requirement is very different, so he'll talk to a different set of guys who will tell him how to manage his 10 lakh rupees. Now with all of this, there's the other bigger challenge, which is fear of investing. And how do you overcome this? The moment I throw you in real market, you are actually investing your real money, and you have a yaar paise chale jayenge to I'll probably not go and invest. Because we have created a virtual platform where you can experience the market in real time, you understand how the market would work. Agar maine aisa kiya hota to kya hota, agar ye nahi kar raha hu to, you build that discipline, you learn theories, you start practicing, you build the discipline. And then we urge you to go and start your real investment journey. Okay. So, and everyone learns at his own speed. Kisi ko 2 mahine lagenge, kisi ko 6, kisi ko 1 saal. And we have the patience of handholding a user throughout his journey. Wonderful, wonderful. एक question मैं पूछता हूँ आपसे. And this is sort of your 5-line advice to someone who is in college. मैं क्योंकि मैं बहुत सारे college में जाता हूँ और वहाँ पे बहुत young grads का ये मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले कि सर ट्रेडिंग से पैसा डबल कैसे करना है, कितने टाइम में हो जाएगा. आप कोई क्विक टिप बता दीजिए. आप उन लोगों को क्या बताओगे कि क्या रियलिटी में एक बच्चे का ट्रेडिंग में पैसा डबल हो रहा है, जबकि उसका कोई, दिस इज नॉट इवन अ पार्ट टाइम गिग. लोग ट्रेडिंग को शुरू से ही, बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि ये हमारा फुल टाइम प्रोफेशन बन जाए, जबकि उनका कोई और प्रोफेशन भी नहीं बना अभी तक. व्हाट वुड यू से टू दोस गाइस? ऋषभ, वन, this is the highest paying job globally when you actually go and join a hedge fund. Of course. And hedge fund pay today, in reality, across the globe, they are the largest payers out there. You get the biggest paychecks. But you have to be extremely disciplined when you're managing someone else's money.
एंड यू हैव टू बी इक्वली वेल डिसिप्लिन व्हेन यू आर मैनेजिंग योर ओन मनी. पैसे डबल होंगे होंगे बट आज नहीं, चार साल तीन साल में होंगे. देर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ एंड आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे. आई हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स. मैंने बिजनेसेस में व्हेन आई वाज मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स और इवन व्हेन आई वाज लुकिंग एट मार्केट्स, राइट, जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा था, एवरी टाइम वेयर आई फेल्ट कि एक शॉर्टकट ले सकता हूँ और पैसे यहाँ से डबल होंगे, आई हैव फेस्ड लॉसेज. एंड द डे आई चेंज माई माइंड सेट सेइंग नहीं, आई विल नॉट टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ एनी मोर, अब मैं सीधे चलूँगा एंड आई विल डू इट द राइट वे, things started showing up and things started working out for me because I was not looking for shortcuts in life. I think this is the biggest lesson which I have learned both from a lifestyle perspective and investment perspective. The moment you stop taking shortcuts, things will start working out for you. Perfect. So, जो लोग trading को sort of एक quick money वाले mentality, जैसे आपने बोला कि trading में भी पैसे होंगे double, वो 3-4 साल लगेंगे, which is sort of 25-30% CAGR से grow कर रहा है. Correct. बट लोगों को 25-30 तो एक्साइटिंग ही नहीं लगता है. वो बोलते हैं यार हमारा एक वीक में पैसा कैसे डबल हो रहा है, 10 दिन में पैसा कैसे डबल हो रहा है, आप ये बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं कहीं और जाता हूँ. कोई देर आर सो मेनी सॉर्ट ऑफ पीपल ऑन वेब जो यही चीज एग्जैक्टली क्लेम करके एड्स भी चला रहे हैं यार. तो ऋषभ, आई वुड इम्प्लोर ऑल ऑफ दीज गाइज हु आर रनिंग देयर एड्स सेइंग प्लीज कम ऑन स्टॉक ग्रो, बिल्ड योर पोर्टफोलियो सो अदर्स कैन गो एंड ऑडिट, राइट. Every influencer out there who says, hey, I am capable of doubling the money in 3 months, 6 months, 1 year. And I would sincerely request them, stock group pe apne portfolios banaiye. Others can go and see it. And if you are so good, it's not just all of those guys. Even I'll start following you and start investing money in exactly the stocks that you tell me. Perfect. Phir toh main nahi bana raha. Okay. Yeah. Right. I had one question. Sorry, but I lost my train of thought. But in the meanwhile, let me ask you this. Agar aap ek long-term investor ho versus aap ek trader ho, kitna alpha ek trader expect kar sakta hai? Agar aap ki tarah ekdam seedha-seedha chale, 3-4 saal seekh le. So, just in one line, why should he become a trader in the first place? What is the alpha that he achieves? See, a trader basically takes this up as a profession. Right, and then he knows ki with whatever capital I am utilizing, this is the kind of, say, I have to generate this 10%, 15% return a month. He's living by the day. He's not going by the fundamentals of the company, saying, aaj mujhe maloom hai ITC idhar hai, and with all the new product lines or changes that they are doing, it will become so big. Or IRCTC is the largest railway business right now, and this can become so big. You are playing by the technicals out there, saying, I know as per the charts, these are the entry points, these are the exit points. I'll be able to leverage my position, which is relatively more riskier than a long-term investment, but I'll be able to make more returns. Any day trader. वो more कितना हो सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे हम return, ROE, ROCE numbers देखते हैं, जब fundamentally किसी company को देखते हैं, वो हम सिंपली इसलिए देखते हैं ना कि मान लो हम दोनों ने 100-100 रुपये डाल के बिजनेस स्टार्ट किया और हमने 20 रुपये का रिटर्न जनरेट कर लिया, तो हम ये भी सोच सकते हैं यार अभी तो 9%, 8% तो FD के रेट्स भी चल रहे हैं, तो फिर हमने इतनी मेहनत करके बिजनेस क्यों किया. तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि भाई ट्रेडर ये क्यों सोचता है कि मैं निफ्टी का 12% नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, बट वो कितना ज़्यादा? अ वेरी सिंपल थंब रूल इज, अगर निफ्टी आपको 12% दे रहा है and on an average you are able to do a 4x leverage on it, right, can you go up to 30-40% return a year if you are a day trader? Interesting. The key is you are able to use the leverage out there. Okay. And you can do your trades. Ab my next question isi se, data says 90% traders are loss making traders. Let's say sab log stock group pe aa jate hain, loss making wale, क्या लगता है आपको ये रेशो कितना चेंज हो सकता है? इट कैन ईजिली गो टू से 50% और 40% लॉस मेकर्स. वाई? बिकॉज टुडे देर इज नो कम्युनिटी. तो आप जब ट्रेड में आपके लॉस हो रहे होते हैं ना, आपको ये नहीं पता होता है कि मुझे अभी निकलना है या मैं इसको होल्ड करके बैठा रहा हूँ. एंड बिकॉज यू गेट इन द मार्केट इन अ फोमो एंड यू गेट आउट ऑफ द मार्केट ऑल्सो इन अ फोमो, आप इस हड़बड़ी में घुसे हो कि यार पैसे बना सकता हूँ और कोई और बना रहा है, एंड आप उस हड़बड़ी में वापस भी निकल जाते हो कि everyone is losing money and I'll probably lose more money out there. You have no idea on either side of the trade, should I stay or should I exit? Okay. But when you are interacting with a community of relatively smarter guys, experts,
एंड यू अंडरस्टैंड देयर व्यूज अबाउट हु इज डूइंग व्हाट एंड यू आर एबल टू फिगर आउट दीज गाइज आर गुड एंड दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू हैव अ लॉट मोर पेशेंस इन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी यू आर एबल टू टेक द राइट काइंड ऑफ डिसीजंस इन द मार्केट एंड द रीजंस व्हाई यू मेक लॉसेस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज दे एंटर हाई एंड दे एग्जिट लो वो हमेशा बढ़ते भाव में घुसते हैं और हमेशा गिरते भाव में निकलते हैं वेयर यू शुड डू जस्ट द अदर वे अराउंड बट द मोमेंट योर साइकोलॉजी चेंजेस स्पेशली विद द इन्फ्लुएंस ऑफ गाइज हु आर डूइंग इट राइट यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स अच्छा एक और फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपने आप बिग बॉस देखते हो नहीं नहीं बिग बॉस या एक कोई और सीरियल है उसमें एक रोडीज जैसा कोई एक सीरियल आता है मैं कुछ भी नहीं देखता मैंने यूट्यूब पे बस ये हाँ. फेमस वायरल वीडियो देखा है उसमें जज कंटेस्टेंट से पूछ रहा है 100 का 60% बताओ हाँ तो वो ऐसे 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 हो गया उसको नहीं आ रहा तो उससे बार बार पूछा बोला रुक जाओ ना मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना उसको नहीं आ रहा तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपन अभी हंस रहे हैं बट आप लिटरली अगर हम अभी रोड पे निकल जाएं 100 रुपये नहीं मतलब ठीक है 270 का ये बताओ 10% बैट्स इज वेरी स्केरी राइट एंड यू आर बैंग ऑन एंड दैट्स द रीजन अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ नंबर्स दे डोंट गेट इनटू इन्वेस्टमेंट्स तो हमें लोगों को कॉमेंट्स करते हैं लोग हमने एक वीडियो बनाया था कि आप वो 1,00,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हाँ तो हमने सिखाया कि आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को बेचकर वापस खरीद लो तो आपका गेन रियलाइज हो जाएगा और आपने टैक्स हार्वेस्टिंग कर लिया तो पीपल से ऐसा करने से तो हमारी कंपाउंडिंग टूट जाएगी ना हमने बीच में निकाल लिया तो मेरा जो मैंने अब इतने सालों में कॉन्टेंट बना के एक्सपीरियंस किया है देर आर पीपल जो समझ जाएंगे मतलब हम बहुत ही अच्छे से ऐसे हम खुद भी बोलते हैं कि 5 साल के बच्चे को समझ में आ जाए ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए बट द इशू इज राइट यू आर करेक्ट ऑन दिस व्हाट वी थिंक इज कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन अमंग पीपल एंड एज लॉन्ग एज यू कैन हैंड होल्ड देम थ्रू वेरी बेसिक्स आउट देयर इट वर्क्स ब्रिलियंटली तो वो 10th क्लास की मैथ्स आप पढ़ाते हो गया मैं नहीं पढ़ाता हूँ बट हाँ बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है एडुकेटर्स है प्लेटफॉर्म पे जो वो पढ़ाते हैं वो बहुत बेसिक नॉलेज के कंटेंट बना के वहाँ पे ऐड करते रहते हैं सो दैट पीपल हु आर एट दैट लेवल दे गेट टू फिगर आउट सीइंग यार और उनको अपनी कम्युनिटी मिल जाती है कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है गुड पार्ट इज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ आस्किंग डम क्वेश्चन बिकॉज दे आर 10 other people हु आर ऑल्सो आस्किंग एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन परफेक्ट बट मुझे लगता है कि बंदे को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसको क्या ज़रूरत है अगर उसको मैथ्स की ज़रूरत है तो पहले वो करे करेक्ट अगर उसको मैथ्स आती है बट उसको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो फिर वो कुछ और सीखे बट लुक पीपल हैव अ वेरी हार्ड टाइम आइडेंटिफाइंग कि उनको चाहिए क्या उनके नॉलेज में कहाँ कौन सा गैप आ रहा है कहाँ गैप आ रहा है और ये हम इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आई रीड अ लॉट ऑफ कमेंट्स हमारे वीडियो पे बहुत कमेंट्स आते हैं तो थैंकफुली आते रहें इंशाल्लाह पर ये मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लगता है एंड मैं हमेशा ये सोचता हूँ बैक ऑफ द माइंड कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी मैथ्स की एंड ऐसे लोगों की जो हमारे जैसे स्कूल से पढ़े हैं हमारे जैसा कुछ काम कर रहे हैं मतलब किसी दूसरे फील्ड में है वेल एजुकेटेड है बट उनको पता नहीं बचपन से वो जो डर है वो डर की वजह से कभी भी दिमाग ने खुल के कभी सोचा ही नहीं जैसे हम रास्ते पे देखते हैं बैंग ऑन एंड दैट्स द रीजन दे हैव अ प्लेटफॉर्म नाउ लाइक स्टॉकग्रो नाउ जहां दे कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड एग्जैक्टली एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट इट सेइंग मुझे यहां से चालू करना है एंड आई कैन आस्क people without being frightened of being judged about it I can start asking questions and there are a lot of people who are enthusiastic okay. just like you seeing yaar kisi ne pucha main usko answer karta hu nice aise bahut sare log hain they're answering the questions chalo sir right it's a community of 35 million people right now oh nice अच्छा लगा आज काफी सारी बातें करी एंड वी लर्नड अ लॉट एज़ वेल सो थैंक यू सो मच एंड या वी शुड कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन परफेक्ट ओके Perfect.